में गरीबों का राशन डकारने वाले एक बड़े गैंग का खुलासा हुआ है, जिसका खुलासा एसटीएफ ने किया है। और इस बारे में हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश। सर, ये जिस तरीके से बहुत बड़ा नेक्सस है जिसमें सामने आ रहा है कि 20 करोड़ रुपए का गरीबों का राशन ये जो है डकार गए, तो ये किस तरीके से खुलासा हुआ, क्या है मामला, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं हमारे पास जो डेटा उपलब्ध है उससे उसमें 1,83,000 से अधिक बार अनाधिकृत रूप से पूरे प्रदेश में राशन का विड्रॉल हुआ है। इसके पूरे मॉडस ऑपरेंडी का स्टडी एसटीएफ ने किया है और 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मोहम्मद आमिर खान, मोहम्मद अल्तमश तथा पुष्पेंद्र पाल शामिल हैं। मोहम्मद आमिर खान स्वयं एक फेयर प्राइस शॉप ओनर है और इनके भाई अल्तमश ये कंप्यूटर ऑपरेटर है। पुष्पेंद्र पाल एक बेसिक कंप्यूटर का जानकार है, लेकिन उसने इस पूरे सिस्टम को समझ लिया था और किस प्रकार से घपला करना संभव है। ये पूरी समस्या जो है वो चूंकि भारी संख्या में आधार के माध्यम से अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन करना शासन की मंशा थी, ताकि सही व्यक्ति के पास अनाज पहुंच पाए, इसके लिए हर वितरक को एक ई पॉश मशीन दी गई, जिसमें जिस व्यक्ति को राशन मिलना होता था उसके अंगूठे से और आधार नंबर से उसका वेरिफिकेशन होता था। क्योंकि भारी संख्या में आधार की सीडिंग नहीं हुई थी, इसलिए जिला पूर्ति अधिकारी के पर्यवेक्षण में पूर्ति निरीक्षक तथा कंप्यूटर ऑपरेटर को आधार के डेटा की फीडिंग और एडिटिंग के अधिकार दिए गए। इसके लिए एक अलग विंडो बनाया गया और इसके लिए यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट किए गए तथा ये कंप्यूटर ऑपरेटर्स और पूर्ति निरीक्षक अपने अपने क्षेत्र में, वितरण क्षेत्र में, राशन कार्ड धारकों के आधार की अपडेटिंग और एडिटिंग करने लगे। इसमें जो अभियुक्तों से गिरफ्तार गिरफ्तार अभियुक्तों से जो जानकारी प्राप्त हुई, उसमें पुष्पेंद्र पाल ने ये बताया कि उसने खाद्य एवं रसद विभाग की साइट पर डाटा अपलोडिंग और एडिटिंग की प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ लिया और ये भी समझ लिया कि आधार नंबर का फर्जीफिकेशन किया जाए तो उस तरीके से वितरण संभव है और इसका कोई सत्यापन नहीं हो। इसके लिए लेकिन पूर्ति निरीक्षक और ऑपरेटर के पासवर्ड और आईडी की जरूरत थी, जिसको उसने येन केन प्रकारण हासिल कर लिया। सर, ये और पूरे मामले में जो खाद्य रसद विभाग है उसका भी कोई कर्मचारी आपके उसमें रडार में आया है? देखिए, खाद्य और रसद विभाग के कर्मचारियों की के ही यूज़र नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल हुआ है, तो उनके सम्मिलित होने का एक इंडिकेशन मिलता है। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम क्रिएट किया गया था, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आधार कार्ड्स की फीडिंग के लिए आउटसोर्स्ड ऑपरेटर्स को लगाया गया था और उनको किस प्रकार से ये यूज़र नेम पासवर्ड अपने पूर्ति निरीक्षकों को प्राप्त हो गए, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। सर, जिस तरीके से सितंबर माह में ये जांच एसटीएफ को सौंपी गई खाद्यान्न घोटाले की, रिकॉर्ड समय में इतनी बड़ी रिकवरी, कितनी बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश एसटीएफ के लिए? ये अभी तो इस पूरे सिस्टम को समझ करके और पहली गिरफ्तारियां हुई हैं। अब एसटीएफ के सामने अगला कार्य है कि जो हमने अपने साइबर पुलिस स्टेशन में मुकदमा लिखा है उसकी इन्वेस्टिगेशन और आगे गिरफ्तारी आवश्यक है। इसके अलावा पूरे प्रदेश भर में इस घोटाले से संबंधित मुकदमे लिखे हुए हैं, तो हमारे द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाएगा, जो सभी इन्वेस्टिगेटर्स को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि अपने अपने केस की इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई पूर्ण कर ये दीजिए। थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश जी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से गरीबों का राशन डकारने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और इस पूरे मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी है। कई बड़े नाम इस पूरे मामले में फंस सकते हैं। जयप्रकाश पाठक, डायनामाइट न्यूज के साथ, लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।